तो आज मेरे घर में बनी है लौकी की सब्जी, जो मुझे बहुत ही गंदी लगती है। मैया दुर्गा भवानी जय मैया। सभी को प्यार और पहला, कैसे हैं आप लोग? तो सुबह के 9 बज गए हैं, मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। मौसम की कही तो मौसम बहुत ही खतरनाक हुआ है हमारे वहाँ। विकट 2 हफ्ते से बारिश, लगातार बारिश हो रही है। तो मंदिर में हमारे कामकाज भी नहीं हो पा रहे हैं, तो आज जाना है हमने मंदिर में अर्पण देने, गेहूं साफ करने, और गेहूं भी साथ में ले जाने हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सीधे मंदिर। तो दोस्तों फिर से जाने लगे हैं मंदिर। मंदिर में माँ दुर्गा को भोग जो लगेगा उसके लिए ले जा रहे हैं हम गेहूं। बाकी सारी महिलाएं तो चली गई हैं और कुछ पीछे से आ रही हैं। तो चलते हैं मंदिर, क्योंकि परसों से प्रोग्राम है, तो डेली मंदिर का, मंदिर में जाना आना होता ही है। तो चलते हैं मंदिर, दिखाते हैं मंदिर में कितने लोग आए हैं। तो दोस्तों मंदिर में साफ़ सफाई हो गई है, कलर वलर सारा हो गया है, और चारों तरफ तार वार लाइट का जुगाड़ भी हो गया है। और आए हैं, देखते हैं। हाँ, तो मंदिर में बहुत ही अच्छा काम, और गोकू गए हैं ऊपर पेड़ में, ये हैं ले हैं। तो यहाँ पे महिलाएं जो गेहूं लाई थी, शायद गेहूं साफ कर रही हैं। तो यहाँ पे रुमाल है आपके, तो यहाँ पे हैं गेहूं, जितनी भी महिलाएं हैं सारा गेहूं साफ कर रही हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है यार आज। तो दोस्तों बहुत बंदर आए हुए हैं, पुताई अच्छे से पूरी कर दी है, यहीं पे बनेगा हमारा पूरा खाना वाना। चावल पीछे जा रहे हैं अर्पण के लिए। तो दोस्तों जोर शोरों से हमारे वहाँ मंदिर का काम चला हुआ है। जितने भी हमारे वहाँ के नौ युवा मंगल दल वाले हैं, बच्चे जितने भी हैं, सारे अपने अपने काम पर लगे हुए हैं सबको। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को भी मिल गई है चाय। कुछ महिलाएं वहाँ गेहूँ साफ कर रही हैं, तो यहाँ कुछ चावल पीसती हैं, तो बच्चे लगे हैं टेंट वेंट पे, तो मुझे मिल गई है चाय। पहले चाय पीती है, उसके बाद इंजॉय। तो नीचे से यहाँ चाय बनाने का काम सौंपा गया है, तो मैंने रखी है यहाँ चाय। जितनी महिलाएं आए हैं बच्चे काम कर रहे हैं, तो मुझे चाय बनानी है, तो मैं बना रही हूँ। बच्चे दे रहे हैं एप्पल। यहाँ पे दीदी सरदा सरदा मुँह दिखा अपना। ये लगे हैं बच्चे अच्छे अपने काम पे। तो यहाँ पे जो हमारा हवन कुंड है, हवन कुंड में दे रहे हैं ये दो एप्पल। तो दोस्तों हमारे वहाँ की बच्चों की कलाकारी बहुत ही अच्छा पेंट किया हुआ है, शिव जी भोले शंकर बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मंदिर से नीचे को जाने लगे हैं, अपन अपन यहाँ दे दिए हैं, गेहूँ भी साफ कर दिए हैं, तो अब जा रहे हैं। जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया। अभी से इनको खूब ही जोश आने लग गया है, तो समझो कल के दिन छोड़ के परसों में है। हमको खुशी है, हमारे घर में, हमारे गांव में अच्छा काम हो रहा, खुशी है। बात बहुत हो रही है, तो महिलाओं में इतनी उत्साह। ज्ञानी जी यहाँ पे साफ सफाई, तो ये कर रहे हैं यहाँ साफ सफाई, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने पूरा रास्ता साफ कर दिया है ना यार, इन्हें काम बहुत बढ़िया रहने यार। तो दोस्तों जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगले एक हफ्ते तक भयंकर वाली वीडियो आनी है, इन्हीं महिलाओं के साथ आने वाली है ना। यहाँ पे इनकी पसंद नापसंद वाली बात हुई है। कैसे हो? हमारे यहाँ भागवत है, कितनी तारीख से हो?
26 तारीख से, 26 तारीख सोमवार, 26 तारीख कलश यात्रा है। सबको बता दो, बता दे कि सबको आना है कलश यात्रा में, महिलाओं पूरे गांव वालों को भी आना है, बाहर वाले ब्लॉक से लेके आगे से लेके पीछे से लेके सारे अल्मोड़ा नैनीताल जिले वाले सारे पहुंच जाना है चिन्यकोट के गांव में 26 तारीख सोमवार से कलश यात्रा है। हो गई बात, सुन जितना हमारे ब्लॉग देखते हैं सभी को एक ये बेताल घाटी क्या ब्लॉग तो ये तेरा देखते हैं, मेरा जो क्या देखते हैं, मैं तो खाली अपनी सगा दिखा रही हूँ उनको। कोई दुबई में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कौन सा दुबई में, वहाँ से आज क्या जा रहे हैं। तो दोस्तों ग्राम प्रधान द्वारा आपको निमंत्रण दिया गया है, तो स्वागत है 26 तारीख को आपका हमारे करके सब आने का कष्ट करें, धनियाकोट में पधारने का कष्ट करें। और यहाँ विजय सिंह जलाल बना रहे फर्स्ट बार रोटी, आटा गूंद रहे हैं, देखते हैं कैसी रोटी बनाते हैं आज। तो विजय सिंह की रोटी गोल बनी हुई है उसी पेपर के जस्ट पहले था। और पेपर के जस्ट पहले वो भी अच्छा हो रहा है, टेक्निकल जोक था, अरे कुछ समझ नहीं आया। हर वक्त हर कोई मजे नहीं रह सकता, चाहे मैं हूँ या फिर सर हो, हर वक्त तो एनर्जी हाई रही नहीं सकती। बात रही कई लोगों के मानना है कि मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, शॉर्ट टर्म में सिर्फ एनर्जी रहती है, माना कि शॉर्ट टर्म में मोटिवेट हो जाते हैं फिर वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन उनमें जो बातें बताई जाती है ना, जब तक गुल्ला सीधा सही नहीं होगा तब तक रोटी सही नहीं होंगी। फीलिंग है, एनर्जी है, गोल गुल्ला बना, लेकिन जो बातें बताई जाती है, जो लाइंस होती है वो परमानेंट होती है, तो आपको वहां पर फोकस करना चाहिए। मोटिवेशन क्या होता है, गैस कम हो रहा है, एक होता है मोटिवेशन कि मैं यहाँ पर स्टेज पे खड़ा हो जाऊँ या अपनी कोई वीडियो मेरी आप देख रहे हो जहाँ पे मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए।